इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें और इधर ही कहीं घंटे का आइकन होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा हमारी फ्यूचर वीडियोस पहले से पहले देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां से आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है हैंडब्रेक। अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो आप इस रेड बटन पर क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। अगर आप मैक या लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अदर प्लेटफॉर्म से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल है 9.98 MB की। क्योंकि मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूं तो मैं इसे वापस से डाउनलोड नहीं कर रहा। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का एक सेटअप मिल जाएगा, सेटअप की फाइल। इसको रन करें, नेक्स्ट, आई एग्री और ब्राउज कर दीजिए उस लोकेशन पर जिधर आपको इंस्टॉल करना है ये सॉफ्टवेयर। मैं इसको इधर ही कर रहा हूँ इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये एप्लीकेशन का शॉर्टकट मिल जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। इसको ओपन करें। शुरू में आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अपनी कोई भी वीडियोस में ओपन करने के लिए इधर क्लिक करें और ब्राउज कर लें उस लोकेशन पर जिधर आपकी वीडियो लोकेटेड है। मेरा उसने सही फोल्डर खोला है तो आप उस पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर दें। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो की प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ। वो वीडियो की प्रॉपर्टीज़, ये वीडियो तकरीबन 2 मिनट कुछ सेकंड की है और ये 97 MB की है। क्योंकि मैंने इसको सोनी वेगास प्रो से रेंडर किया है तो काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया है इस वीडियो का। और अगर मैं इसको अपलोड करूँगा यूट्यूब पे तो काफ़ी टाइम लेगा अपलोड होने के लिए। और मैं आपको तकरीबन इसका काफ़ी कम इसका साइज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके सामने पिक्चर का टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर से आपको सेटिंग चूज़ करनी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फास्ट 1080p का चूज़ कर लें, ये वाला। मैंने भी ये चूज़ किया हुआ है। और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे प्रीसेट के अंदर, लेकिन ये वाला चूज़ कर लें। उसके बाद आपको देखना है कि क्रॉपिंग के अंदर ऑटोमेटिक पे सब 0-0 हुआ हुआ है। अगर 0-0 नहीं हुआ हुआ तो फिर आप कस्टम से सब सारी वैल्यू 0 कर दें। 0 करने के बाद वैल्यूज़ से एक फ़िल्टर टैब है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से इसके अंदर आप कुछ करना है वीडियो अपनी कंप्रेस करने के लिए। फिर वीडियो टैब के अंदर आप वीडियो कोडेक को यही रहने दीजिए। अगर आपका ये इनमें से कुछ हुआ हुआ है तो उसको छोड़ के आप वापस इस पर क्लिक कर दें। फ्रेम रेट रहने दीजिए, 30 रहने दीजिए। अब आपको क्वालिटी के अंदर देखना है, जितनी कम यहाँ पे क्वालिटी, जितने डिजिट कम होंगे क्वालिटी के अंदर उतनी ही अच्छी आपकी वीडियो की क्वालिटी होगी और साइज़ भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 15 पे कर दें। मैं भी अपनी वीडियोस 15 पे ही रेंडर करता हूँ उससे। और वेब ऑप्टिमाइज़ का जो है इस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद ऑडियो के अंदर जाके 160 कर दीजिए। 160, हाँ, हो सकता है डिफ़ॉल्ट ही आपकी 160 हो। 160 कर दीजिए और फिर ब्राउज करें उस लोकेशन पे जिधर आपको रेंडर करनी है वीडियो। मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। और उसका कोई भी नाम दे दीजिए, मैं सैंपल दे रहा हूँ, सैंपल सेव। और ये स्टार्ट इनकोड, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं इधर हो रहा है। और ये वीडियो इनकोडिंग ख़त्म हो गई है। ये मेरे डेस्कटॉप पे आ गई है वो वीडियो इनकोड होके। मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ। ये सिर्फ 22 MB की हो गई है। 97 MB की फाइल 22 MB की हो गई है, मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप वो 97 MB वाली फाइल अगर आप चाहेंगे वीडियोस को अपलोड करना है यूट्यूब पे तो तकरीबन वो 10 मिनट लेगी आपके। और अगर आप इसको करेंगे तो मुश्किल से 2 मिनट लेगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कोई वीडियो क्वालिटी में भी ऐसा फ़र्क नहीं है, दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कोई ना बड़ा फ़र्क नहीं है क्वालिटी के। और अगर जैसे कि मैंने आपको सेटिंग्स जो बताएंगी, अगर आप वही सेटिंग यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा सॉफ्टवेयर।